السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا <سؤال> نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم یہ سورة علی عمران کی آیت نمبر 64 اور 65 ہے گزشتہ اتوار जो हमने तफसर बयान की थी वो चौंसठ की बयान हुई थी और पैंसठ की बाकी थी और चौंसठ में भी कुछ बातें आधी आयत यानी कि बाकी तो उसी से फिर हम आगे बढ़ते हैं अल्लाह तबरक तारा ने आय नंबर चौंसठ में अरशाद फरमाया महबूब आप अहले किताब यहूद नसारा से फरमा दें किलमतिन सवाइम बई ना व बई नकुम ए यहूदियों नसरानियों आ जाओ आ जाओ उस एक कलमे की जानिब जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर हैं एक है मैंने उस पर सारा जो भी बताना था वो गुजशत एतवार तब से मैं बताया अल्लाह ना नबदा पहली बात यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें वलानश्री का भी शैया अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें अब यह कि अल्लाह की के अलावा किसी की इबादत न करें तो चूँकि यहूद नसारा ये हज़रत उज़ैरतम की इबादत करते हैं तो इसका जिक्र हुआ वला भी बिहि शैया अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें तो चूँकि यहूद नसारा हत उज़ैर को यहूद ज़रतु उज़ैर को अल्लाह के साथ शरीक मानते हैं नसारा जो हैं वो हजरत ईसा मरीम को दोनों को अल्लाह का साथ मानते हैं तो इस वजह से ये दूसरा खिताबी अल्लाह ने बयान फरमाया और तीसरी बात वलायद अबादनआबादन अरबाब मंदा अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के सिवा हम आपस में एक दूसरे को रब ना बनाए मालिक ना बनाए मतलब ये कि अहकाम का मालिक और कुल्ली इख्तियार हम आपस में एक दूसरे को ना कहें आपस में न बनाए हमारे यहाँ तो ऐसी यानी कि सिचुएशन नहीं लेकिन यहूद नसारा में ये मौजूद कि उनके जो पादरी और रोहबान राहब होते हैं उनका हाल ये होता है कि उनकी आवाम उन्हें अपने अहकाम का मालिक समझती है वो जो कहते हैं वो शरीयत हो जाए तो इस अतबार से अल्लाह तबारक तारा ने उन्हें फ़रमाया ये भी मैंने गुजतः इतवार में बयान किया था हाँ आदि बिन हातिम रज़ी अल्लाह तातिम तय के बेटे हैं आदि बिन हातिम वो बारगह रसारत में आए हैं ईमान ले आए ईमान लाने के बाद की बात है तो जब ये आयत मबारक यानी कि आई तो उन्होंने कहा यारसोल्ला ठीक है यानी अल्लाह के साथ शरीक ना करना सही है लेकिन ये जो आयत है हम आपस में एक दूसरे को अरबाब ना बना लें तो हम जो है ना वो पादरियों को हम खुदा तो नहीं मानते थे हम खुदा तो नहीं मानते थे यहाँ रब बनाने की बात है एक दूसरे को रब तो हमने कभी उनको रब नहीं माना हमने कभी उनकी इबादत नहीं की परस्तिश नहीं की तो ये आयत क्यों तो अल्लाह के रसूल ने फरमा कि क्या तुम जो वो हुक्म देते थे उसी पर अमल नहीं करते थे यानी वो जो कह दे वो तुम्हारे ऊपर मानना लाजिम था कि नहीं हरत अदी ने कहा ये बात तो है अल्लाह के रसूल फरमाते यही यहाँ फरमाया गया यहाँ एक दूसरे को रब रब ना बनाए मालिक ना बनाए का मतलब ये है कि अहकाम का मालिक ना समझें कि वो जो चाहें जैसा चाहें कह दे यानी इसे यूँ समझें कि मौलाना हाफिज़ मौराना मुफ्ती ये जो कैटेगरी है वो अहकाम बता सकती है अहकाम के मालिक नहीं अहकाम कुरान हदीस के अहकाम है वो बताना काम है मालिक नहीं कि किसी के लिए यानी एक बंदे के एक बंदा आया उसने मसला पूछा कि मैं जो है ना आ, सूद का कारोबार कर सकता हूँ मेरी बहुत हालत ख़राब है बड़ा गरीब आदमी हूँ और मुझे जो है ना वो आ, सूद के कारोबार में ऐसा फ़ायदा हो सकता है या है कि कोई मुझे पैसा दे रहा है और मैं उससे सूद पर यानी पैसा देकर कमा लूँगा तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं मैंने सोचा गरीब आदमी है चलो इजाजत दे देते मैंने कहा ठीक है तुम्हारे लिए जायज़ एक दूसरा आया और देखा वो तो मैंने देखा तो मालदार आदमी मैंने कहा नहीं नहीं तुम्हारे लिए जायज़ नहीं ये ये इख्तियार हमारे पास नहीं गरीब आए मालदार आए जैसा भी आए एक ही हुक्म के ब्याज पर सूद पर कारोबार करना हराम है ना एक बंदा आए और वो क्या है अब शराब पीने की आदत है आप कह रहे हो कि हराम है पीना जायज़ नहीं है अब मुझसे रहा ही नहीं जाता शाम होती मुझे याद आता है तो मुझसे तो नहीं रहा जाता तो अब कुछ कुछ मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं लेकिन कम पिया करो थोड़ा कम पिया करो बस पियो कोई मसला नहीं है आदत है तो क्या कर सकते हैं मजबूरी है चलो ठीक है तुम्हारे लिए जायज़ हो जाए और दूसरा जो नहीं पीता था वो कि मैं भी सोच रहा हूँ शुरू करूँ मैंने कहा कर नहीं, नहीं हराम है तो ये शरीयत इस्लामिया में ये चीज़ नहीं है है ना गरीब पिएगा तो भी उसे कोड़े मारे जाएंगे मालदार पिएगा तब भी कोड़े मारे जाएंगे अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो और वो चाहे जैसा भी हो उसके लिए हराम है चाहे कितना भी हाई लेवल का आदमी हो चाहे थर्ड लेवल का हो हर एक के लिए हरा तो अब ये पादरी और ईसाई के यानी जो राहिब होते थे उनका हाल ये था कि वो किसी के लिए कोई हुक्म और वो जो कहते हैं वो हुक्म बन जाता था तो वो शरीयत बन जाती थी उसे अल्लाह ने फरमाया कि तुम अहकाम का मालिक मत समझो अब इससे कोई ये ना समझे कि फिर अम्बिया कराम और हजूर अक्रम सल्ल भी तो मालिक नहीं हुए ना अगर उन्हें भी माना तो फिर गए काम से अल्लाह ने मना फरमाया कुरान में अहकाम का भी मालिक नहीं मानना अहकाम पहले मैं आपको बताऊँ अहकाम की दो किस्में हैं अहकाम दो तरह के होते हैं एक तकवीनी अहकाम होते हैं और एक तश्रहीकाम होते हैं तकवीनी अहकाम का मतलब यह कि कायनत में जो हुक्म चलता हो कायनत में कहना हवा रुक जा हवा जा, रुक जाए यह तकवीनी ये हुक्म तकवीनी है तकवीन में कायनत में मेरा हुक्म चल गया मेरा तसरुफ चल गया है भरे सारे तसरफा तो अल्ला ही के कब्ज़े में हैं और वो मुतरफ हक़ीक़ी है अल्लाह का तसरफ हक़ीक़ी है अल्लाह तबारक व तारा ही मुतरफ हकीकी, उसके सिवा उसकी इजाज़त के बग़ैर तो पत्ता और तिनका भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता तिनके को भी हवा चलती है ना हवा और तिनके को उड़ना है न तो ये ना समझे कि हवा ने उड़ा दिया है नहीं तिन, तिनके को हवा को अल्लाह ने इजाज़त दिया चलने की और तिनके को इजाज़त मिली हवा में उड़ने की तब वो अपनी जगह से हटा है अगर इजाजत ना मिले ना तो कितने भी तूफान आ जाए तिनका अपनी जगह से नहीं हिल सकता ये एक अल्लाह अल्लाह ने वो एक निज़ाम कायम फरमाया है उसके तहत सारा निज़ाम कायनात चलता जा रहा है तो कहने की बात यह है कि अल्लाह मुतसरफ़ हकीकी है लेकिन अल्लाह तबारक तारा ने अपने कुछ महबूब बंदों को कुछ इख्तियारा फ़रमाए हैं काम ले कुछ तो अखियार फरमाए और अपने महबूब को सारे इख्तियारत फरमाए हैं अब ये तश्रही और तकवीनी तो मैंने जो तकवीनी बताया कि निज़ाम कायनत में अगर हुक्म चल जाए तो ये हुक्म तकवीनी है और कहेंगे कि अहकाम तकवीनिया में उसका बड़ा यानी कि जोर चलता है उसका तसरु चलता है या वो कर सकता है हुक्म चला सकता है तो आप देखें तस्लीम है मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं ये मुर्दा जिंदा कर देना मरने के बाद उठाना अल्लाह के सिवा किसी का काम नहीं अल्लाह कयामत में उठाएगा हत्या ने दुनिया में उठा दिया दुनिया में उठा दिया है ना अच्छा फिर यह कि आपने तफसीर पढ़ी हुई है और यह तफसर गुजर चुकी कि तीन तो ऐसे थे कि जिन्होंने बाद में जिंदगी गुजारी ये नहीं कि बस उठे फिर वापस लेट गए उठ गए बात की और फिर वापस लेट गए ऐसा नहीं है उठे और उठकर कर उठ गए जिंदगी गुजारी है ना और जिंदगी गुजार के अपनी मुद्दत खत्म करके वह हिस्की अल्लाम ने दुआ की चार हजार मुर्दे एक साथ जिंदा हुए चार हजार जो बिल्कुल सड़ गल गए थे हड्डियां बिल्कुल बिखर चुकी थी ऐसे चार हजार मुर्दे एक साथ खड़े हुए जिंदा हुए उन्होंने अपनी बाकी अजाब की वजह से मर गए थे उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारी है ना और फिर आ, उनका इंतकाल हुआ अपनी मुद्दत में इंतकाल हुआ कहने की बात यह कि अल्लाह ने हमें एक बार जिंदगी दी जब मौत देगा दोबारा आना नहीं है दुनिया में दुनिया में वापस नहीं आना हाँ उठाए जाएंगे मरने के बाद हमें ज़िंदा किया जाएगा लेकिन कब आखिरत में क़यामत में जब क़यामत आएगी सुर्फ हूँ जाएगा सब उठेंगे उससे पहले अगर कोई उठा दे तो ये तकवीनी हुक्म में है न तसरुफ़ करना है ये अहकामती तकवीनियाँ हैं तो हत आईस आलिस तो तस्लीम ने यह काम किया है और ये तो मैंने एक मिसाल दी वरना तो सारे अम्बिया कराम को देख लें तो सारे अम्बिया कराम ने कुछ ना कुछ किया हुआ है सारे अम्बिया ने कोई ना कोई ऐसा मुजसा दिखाया है कोई ना कोई ऐसा काम किया है जो अहकामती तकवीनियाँ हत समान के हुक्म पर हवाएँ चलती थी हर तो इस्लाम यानी कि हवाओं को हुक्म देते तो उनके तख्त को जहाँ वो चाहते ले जाती हवाएं और जब कहते रुक जाती है ना तो ये हवाओं पर उनका हुक्म चलता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से है ना कंकरियाँ बोली है ना आपके हुक्म पर जो है आपके मुट्ठी में जो कंकरियाँ थी उन्होंने तस्वीर पड़ी है जो सारे लोगों ने सुनी है और उसके अलावा अल्लाह के रसूल ने अब और भी बहुत से यानी कि दरख्तों को चलाया है जानवरों की बोरियाँ सुनी हैं उनके मदद की है वगैरह वगैरह तो बहरहाल एक है तकवीन हाँ, चाँद और सूरज चांद के दो टुकड़े किए फिर दोबारा जैसा था वैसा कर दिया सूरज डूबा था वापस पलटाया और फिर वापस डूब गया तो ये उमूर तकवी थी और उसमें अल्लाह के रसूल के मुआजा थे और सारे अम्बिया कराम का कुछ ना कुछ आपको मिलेगा बहरहाल तो ये में आजम देख लेंकराम तो के गुलामों में, तो 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 में गौसे आजम को यह तसरुफ हासिल हुआ अल्लाह की अत से अल्लाह के देने से कोई अपने आप से तो नहीं है ना सारे अम्बियान हो चाहे औलिया हों सबको अल्लाह की अता से मिला है दाने दिया और देने वाली वो ज़ात और अपने महबूब बंदों को दे आप यानी कि आपकी बीवी को आप यानी कोई भी आप ले सकते हैं जो भी आपका खास फ्रेंड है बड़ा खास दोस्त है आपने एक घर की चाबी उसको भी दे रखी है भाई तुझे जब आना हो तो आ तेरे लिए कोई पाबंदी नहीं मेरे घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं आपके पास एक चाबी एक चाबी उसके पास है या तो आपकी तिजोरी की चाबी एक चाबी आपके पास एक बीवी के पास है या आप दोनों ने मिलकर एक जगह रखी है कि दोनों को पता है दोनों जब चाहे तब खोल सकते हैं तो कमाते तो आप हैं कमा कर ला कर आपने रखा फिर आपने बीवी को कैसे हक दे दिया कि वो भी निकाल ले वो भी तिजोरी खोल ले और अगर ज़रूरत पड़े तो पैसा निकाल ले ये हक़ क्यों दिया है आपने चूँकि आपकी मोहब्बत है ये तो फिर अल्लाह अपने महबूबों को अगर तसरुफ दे दे हक़ दे दे तो फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना तो बहरहाल ये तो यानी कि तकवीनी अहकाम की बात थी तशरी अहकाम जो शरीयत में है नमाज पढ़ना है ना तो मिसाल के तौर पर अगर यानी पांच वक्त की नमाज फर्ज है रसूल चाहें तो किसी के लिए तीन कर दे किसी के लिए तीन कर दे है ना कोई आ जाए और क्या क्या अल्लाह फजर और मगरिब मैं नहीं पढ़ सकता बाकी तीन पढ़ूंगा है मंजूर और सरकार कह ना कि जहाँ मंजूर तो उसके लिए तीन हो जाएगी उसके लिए तीन फर्ज हो जाएगी हालांकि अल्लाह के रसूल ने नमाज की इतनी ताक़द फरमाई ना आपने कभी किसी के लिए नमाज माफ़ नहीं फरमाई आए तो ऐसा नहीं कि नहीं आए ऐसे लोग आए और आकर उन्होंने शर्त रखी कि ये हमसे जो है ना पाँच नमाजें वो थोड़ा सा मुश्किल मरहला है ये थोड़ा डिफिकल्ट है ये फजर ईशा इसमें हम नहीं आ सकते तीन आपको तो हम पढ़ लेंगे और इस शर्त पर हम ईमान लाते हैं ना? हम यानी कि चोरियाँ करते हैं या डाका डालते हैं तो वो हमारा काम है उसी पर तो पेट चलता है तो वो हम करेंगे शराब पीने की आदत है वो छूट नहीं सकती है आप तो उसको हराम करते हैं तो ये हमसे नहीं हो सकता और ये नमाज बड़ी भारी है फजर की और ईशा की तो हम तीन पढ़ेंगे बाकी दो गुल्ली ये मंजूर है तो हम इस्लाम लाते हैं सरकार ने कहा बाकी सब ठीक नमाज नहीं उस पर समझौता नहीं फिर तुम मुसलमान होने की जरूरत नहीं चलो निकलो फिर तुम्हारे मुसलमान होने की जरूरत नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें मान सकता हूँ लेकिन नमाज का छोड़ना ये मंजूर नहीं तो खैर उन्होंने फिर इस शर्त पर कि पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे फ्री मान कबूल किया फिर है फ्री मान लाए हैं तो बहरहाल अल्लाह के रसूल ने किसी को इजाज़त है लेकिन यानी कि आप जिसके लिए जो हुक्म चाहें तब्दील फरमाएँ आपने सुराखा को सरकार ने हदीस फरमाई कि मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सोना हराम है और वही सुराखा को सोने के कंगन पहना दिए हैं सुराखा मैं तेरे हाथों में सोने के कंगन देख रहा हूं मतलब तू पहनेगा है ना किसरा फतह होगा उसका खजाना मुसलमानों के हाथ आएगा उसके खजाने के कंगन निकालकर तुझे पहनाए जाएंगे तू पहनेगा ये मैं देख रहा हूं पूरी उम्मत के लिए सोना चांदी मर्दों के लिए हराम कड़ा नहीं पहन सकते एक सुराका को छोड़कर अल्लाह ने हुक्म दिया था कि सुराखा तेरे लिए जायज है नहीं रसोल्ला ने हुक्म दियाराखा तू पहनेगा मैं देख रहा हूँ तू पहनेगा और फिर हत उमर के दौर में सरकार की हयात में नहीं सरकार की वफ़ात हो गई अबू बकर की वफ़ात हो गई हत उमर के दौर में किसरा फता हुआ ईरान और जब ईरान फतः हुआ किसरा फता हुआ तो उसका खजाना खोला गया कंगन तराश किए गए अब सुराखा हैं अच्छा एक, देखें साहबा का ईमान ये है ये साहबा का ईमान हमारा तुम्हारा ईमान कैसा वो सहाबा कि एक मरतबा हत सराखा बीमार हो गए और उन्हें लगने लगा कि मैं तो गया काम से ये बस नजा का वक्त है इतनी सख्त बीमारी कि नज़ा का वक्त है अब तो आखिरी तो और लोग भी अयादत के लिए नहीं हत सुरा को नहीं लगा दूसरों को लगा दूसरों को महसूस हुआ कि सराखा का का आखिरी वक्त आ गया है अब इनका इंतकाल होने वाला है नज़ा का वक्त है बड़ी तकलीफ़ में है सुराखा पर बार बार बेहोशी तारी हो रही है लोग आ रहे हैं कुछ लोगों ने तलकिन शुरू कर दी ला इला मोहम्मद रसोल्ला हाँ तो सुराखा ने आँख दी वही क्या कर रहा है क्या कर रहा है मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ सारे चौंक रहे मरने वाला नहीं हूँ इसको पता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ कहा मैंने अभी किसराख के कंगन कहाँ पहने हैं सरकार ने फरमाया है किसरा मैं किसराख के कंगन है सुराखा तेरे हाथ में देख रहा हूँ मैंने पहने कहाँ जब तक पहनूंगा नहीं मौत भी नहीं आ सकती है ये हजरत सुराका का अकीदा ये साहब ये रसूल का अकीदा है तो कहते हैं कि अब वो उमर ने कहा भाई तलाश करो किसरा के कंगन इनको भेजना है कि नहीं दुनिया से तो किसरा के कंगन तलाश करो अब खजाने में मिल नहीं रहे का नहीं है का, का होंगे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता होंगे ज़रूर होंगे तलाश करो फिर तलाश किया गया मिल गए मिले तो उमर ने सुराखा को बुला कर दिए कि भले लो तुम्हारे कंगन पहन लो हत सराखा ने कंगन पहने हैं सोने के कहेंगे पूरी उम्मत है ना हुजूर के बाद यानी सिद्दीक अकबर से लेकर के कयामत के आखिरी इंसान तक पूरी उम्मत के लिए सोने चांदी, मर्दों के लिए सोना चांदी हराम एक सुराका को छोड़कर जिसे सरकार ने ख़ास फरमा लिया गवाही अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम गवाह बनाओ तो दो मर्द हों या एक मर्द दो औरतें या तो दो यानी कि दो मर्द होने चाहिए अगर दो मर्द ना मिले एक ही मर्द मिला तो साथ में दो औरतें होनी चाहिए दो औरतें कि ये औरतें क्या बहुत भूल जाती है कभी कभी इनकी छड़क जाती है तो एक दूसरे को याद दिला दे वो बात इसलिए दो औरतें होनी जरूरी और एक मर्द तो जरूरी है गवाही में तो अब ये कुरान का ये कानून था हाँ एक दिन अल्लाह के रसूल ने हरत इब्ने साबित अंसारी रज्ला उनकी गवाही दो के बराबर कर दी दो के बराबर की खुजैमा तुम खड़े होकर गवाही दे दोगे दो के बराबर है तुम्हारे साथ किसी की जरूरत नहीं है किसी की ज़रूरत नहीं है और ये नहीं किसी बोलने की बात थी नहीं जब कुरान के आयतें जमा की जा रही थी ना तो ये कि याद सबको था जो साबित कुरान जमा कर रहे थे वो पूरे हाफिज़ थे कुरान के हुफाज कुरान तो बहुत थे लेकिन ये कि नहीं हमको वो आयत लिखनी है कि जो दो लोगों के पास लिखी हुई हो हाँ भाई किसी के पास ये आयत है ये आयत है या ढूंढ है, रहे हैं उन्होंने कहा ये आयत मेरे पास लिखी हुई है उन्होंने कहा मेरे पास लिखी हुई हाँ दो मिल गए चलो लिख लो कुरान में हाँ कुरान में लिख ली गई इस तरह कुरान जमा हो रहा था एक आयत साबित कर एक आयत मुझे मिली नहीं रही मिल नहीं रहे मतलब हमें तो पता है लेकिन किसी आदमी के पास लिखी हुई नहीं मिल रही थी कहते तलाश ऐलान किया जा रहा है भाई आयत किसी के पास है किसी के पास है हतम आ गए हाँ भाई मेरे पास ही आयत लिखी हुई है कहाँ तुम तो एक ही काफ़ी हो कुरन में लिख ली गई इसलिए कि सरकार ने उन एक की गवाही दो के बराबर कर दी थी ये शरीय के अहकाम में तस, तसरुफ़ है शरीय के अहकाम में तसरुफ़ है और ये क्यों हुआ पता है ये हुआ क्यों है यह भी बड़ा प्यारा वाक्य सरकार ने एक यहूदी से मामला किया और यहूदी से जब मामला किया तो कुछ यानी कि कीमत बाकी थी यानी पैसा में मौजूद नहीं था सरकार ने फरमा मैं जाकर ले आता हूं और फिर मैं तुझे देता हूं फिर यह सामान ले लूंगा एक ऊंट या घोड़ा ऊंट खरीदा शायद अब सरकार गए और कीमत लेकर आए तो ये मुंह फेर गया नहीं नहीं मैंने आपको बेचा ही नहीं कहा अभी तो तूने मुझे ऊंट बेचा है मैं कीमत लेने गया था कीमत लेकर आया हूं ले तो कहने नहीं मैंने आपको बेचा ही नहीं नहीं बेचा कहा अरे मैंने खरीदा तुझसे और सौदा हो चुका सौदा होने के बाद तू मुड़ा है कह नहीं मैंने आपको बेचा ही नहीं है हाँ तो खुज़ेमा खड़े होकर सुन रहे थे क्या मैं उसने यहूदी ने कहा है तुम्हारे पास कोई गवाह है कोई गवाह तुम्हारे पास हँ तो खुज़ेमा पुकार उठे हाँ मैं गवाही देता हूँ यारसोल्ला आपने खरीदा इससे आपने खरीदा कहते हैं कि असर फरमाते खुजैमा तुम तो थे नहीं यहाँ हमारा सौदा हो रहा था तुम तो थे ही नहीं तुम कैसे गवाही देते हो तो हतैैमाज के असोल्ला आप आसमानों की और रब की बातें बताते हो उस पर यकीन कर लिया बगैर देखे तो ये सौदा दुनिया का सौदा है इस पर कैसे यकीन ना होगा है ना बगैर देखे आसमान की बातें मान ली तो ये सौदे की बात नहीं माने आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सच बात है सरकार खुश हो गए आप यानी कि बिल्कुल आपने ऐलान फरमाया आज से खुजैमा एक की गवाही दो के बराबर है तब से उनकी तो ये शरीयत में ये शरीयत का हुक्म अल्लाह के रसूल एक बंदा आ गया रसोल्ला की बारगाह में अर्ज करता है या मैं तो बर्बाद हो गया हलाक हो गया रोता हुआ आया है क्या हुआ क्या मैंने जो है ना रोजा था रमजान का रोजा रखा हुआ था मैंने अपनी बीवी से जिमा कर लिया सोहबत कर ली अब भाई कफारा है अब तो कफ़ारा मुसल साठ दिन के रोजे रखना है <laughs> या एक ये यानी कि बहुत भारी काम है मैं साठ में रोज़े नहीं रख पाऊँगा ये इसीलिए तो गड़बड़ हो गई ना तो नहीं रख पाऊँगा इसतात नहीं है मेरे अंदर ताकत नहीं है सरकार ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं तो एक काम करो आ, तुम जो है एक गुलाम पहले आज़ाद करना था लेकिन गरीब आदमी था तो क्या नहीं इस्त तो क्या साठ रोज़े क्या दो उसकी भी इस्तात नहीं है क्या ठीक है साठ मस्किनों को खाना खिला दो।, दो वक्त खाना खिलाना है साठ मस्किनों को उन्होंने कहा अरसोल्ला मैं तो गरीब आदमी मेरे पास तो इतना भी नहीं है कुछ भी नहीं है सरकार ने कहा कोई बात नहीं रुको वो बैठे रहे सरकार की बारगाह में एक टोपली खजूर आई टोकरी भर के खजूर आई सरकार की बारगाह में यारसोल्ला आपके लिए तोहफा सरकार ने कहा वो कहाँ गया फिद वाला वो कफ़ा वाला रोज़ा तोड़ने वाला वो कहाँ गया वो, हाँ यार रसुल्ला मैं लो ये टोकरी उठाओ है ना और ये गरीबों में बांट दो तुम्हारा कफ्फा अदा हो जाएगा देखे हम अगर करेंगे तो नहीं अदा होगा लेकिन सरकार इजाज़त दे रहे हैं कि जहां तू सिर्फ इतनी खजूर की टोकरी लोगों में बांट दे गरीबों में तेरा कफार यानी मिसकिनों को खिलाने का जो कफरा है वो अदा हो जाएगा वो अस्कर जा किसी को भी पूछ लो किसी को भी पूछ लो मेरे से बढ़कर मदीने का कोई गरीब नहीं है मदीने में मुझसे बढ़कर कोई गरीब नहीं है आप किसी को भी पूछ लो सरकार ने मुस्कुराए सरकार मुस्कुराए सरकार फरमाते तू ही खा ले तेरे घर वालों को खिला दे जा तेरा कफार अदा हो जाएगा खुद खाकर और घर वालों को खिलाकर कफारा अदा हो जाए ऐसा होता ही नहीं हमारे पास अगर कोई आ जाए ना तो हम क्या कहेंगे भाई ये तीन कफ़ारे गुलाम वाला सिस्टम तो गया तो अब दो ही बचे साठ यानी कि रोजे रखना पैदर पे पचास के बाद या अट्ठावन के बाद भी एक रोजा बीच में छूट गया तो एक से शुरू करना है वापस वापस एक से शुरू करना है ऐसे साठ लगातार रोजे रखने हैं यह है कफारा जब जानबूझ कर रोजा तोड़ दें खा पी कर तो अब ये के कहते हैं कि ये अल्लाह के सल्लल्लाहु और वसल्लम का तश्रे इख्तियार है तश्रैकाम में इख्तियार के सरकार ने उनके लिए उनका कफ़ारा जो है भाई खुद ही खजूर खा लो घर वालों को खिला दो तुम्हारा कफारा अदा हो गया हम कहेंगे साठ रोज़े या साठ मिस को खाना खिलाना क्या तक दोनों की इस्तात नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते बस अल्लाह की बारगाह में तोबा कर उम्मीद कर अल्लाह माफ़ कर दे वरना हम तो आगे कुछ नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते लेकिन ये अहकाम यानी अल्लाह का के रसूल का एक, एक हज का हुक्म नाजिर हुआ ना कि भाई हज करो अल्लाह के लिए हज करो तो एक साहबी खड़े हो गए अर्ज करते रसूल अफिकुल सना ये हज हर साल हम पर फर्ज हर साल यानी जो भी साहिब हो उस पर हर साल करना फर्ज है फसा कहता रसोल्ला सरकार खामोश रहे कुछ नहीं बोला फिर वो अर्ज कहते हैं अफिकना यार्ला क्या हर साल फर्ज है सरका फिर खामोशी तीन मरतबा पूछा फिर तीसरी मरतबा के बाद सरका फरमाते हैं लव लव कुल तो नाम लव जबत। अगर मैं हाँ कह दूँ कि हाँ हर साल, तो हर साल तो साल फर्ज हो जाए मैं रहम कर रहा हूँ जिंदगी में एक बार फर्ज है जिंदगी में एक बार फर्ज तो साहब करोड़ पति हो कितना भी करोड़ पति हो जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है एक बार कर लिया जिम्मे से खत्म फिर सवाल नहीं होगा कि तूने इतना माल दिया था तो हज क्यों नहीं किया यानी तीसरी बार चौथी बार, बार क्यों नहीं किया दस बार क्यों नहीं किया उससे पूछा नहीं जाएगा हज फ़र्ज अदा कर लिया बात ख़त्म हुई बात ख़त्म हाँ फिर वो शौक की बात है कि बंदा कितने हज करना चाहे अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना चाहे वो अलग बात है तो बहरहाल ये यानी कि आपस में ये जो मौलाना मुफ्ती हाफ ये सब जो है ना इसी तरह के पादरी इनकेमा थे राहिब थे तो वो मालिक हो गए थे अहकाम के जिसके लिए जो चाहे हलाल हराम कर दें अल्लाह ने फरमाया ऐसा न करो ये अल्लाह का हुक्म अल्लाह जिसके लिए जो चाहे वो आ, हुक्म नाफिज फ़रमाए कहते फ़िन तवल फक फ़कुलद असलि फिर अगर वो मुँह फेरे दावत दे दी अल्लाह के रसूल ने महबूब फ़रमा दो दावत दे दो क्या तलो इलाखिल मतिन सवा बेनबे अः नसरानियों और यहियों आ जाओ एक और ये दावत दी है नसरानियों को और यहूदियों को अहले किताब है इसलिए कफ़ार मुश्रक़ी इनको नहीं कहा गया इसलिए वो तो बुध परस्ते हैं ये अल्लाह के मानने वाले हैं क्यामत के मानने वाले हैं फ़रिश्तों तो के मानने वाले हैं तो नबियों के मानने वाले हैं तो इसलिए इनको दावत दी गई है कि भाई तू आ जा और जो कुरान तौर इन झील का जो मुतफ़ा फ़ैसला है हुक्म है हम उस पर मुतहद हो जाएँ मुतफ़ हो जाए बहरहाल तो ये कहते हैं फ़िन तब्ल फरमाता है फिर अगर वो मुँह फेरे और ये बात न माने जमा होने की मुतफ़ होने की बात न माने तो फिर फकुल हदू तो उनसे कह दो गवाह हो जाओ बेन्ना मुसलिमू के हम मुसलमान हैं तुम गवाह हो जाए न यहूदियों नसरानियों है ना क़यामत में भी तुम हमारी गवाही दोगे कि हम मुसलमान हमने तुम पर भी इस्लाम पेश किया था तुमने कबूल नहीं किया क़यामत में तुम हमारे हक़ में गवाही दोगे कि हाँ हमने पेश किया था और हम मुसलमान हैं तुम गवाह हो जाओ इससे एक बात पता चली यहाँ तो यहूद नसारा को मुसलमान होने का गवाह बनाने का हुक्म दिया जा रहा है ना हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को गवाह बना लें हर चीज़ को बना गवाह बना ले ये मस्जिद हमारी गवाह हो हमारे ईमान की गवाह हो तो हम मस्जिद में भी ज़ोर से थोड़ा कलमा पढ़ लिया करें ला ला लहम्मदरसोल्ला सल्ला रम ताकि ये चटाई ये दरी ये दर दीवार ये मस्जिद के है ना मम्बर महराब ये हमारे ईमान की गवाही दें क़्यामत में है ना इसी तरह से कभी कभी बाहर रेत पर है ना दरिया किनारे पानी के बाद हर जगह कलमा थोड़ा ज़ोर से पढ़ लिया करो ताकि वो दरिया भी हमारी ईमान की गवाही दे है ना ये रेत के ज़र्रे कंकर ये सारी चीज़ें ये पेड़ ये दरख्त हर चीज़ हमारे ईमान की कयामत में गवाही दे हम इन्हें गवाह बना लें इनके सामने कभी तो पढ़ लें है ना एक गवाह बनाना है ना मुख्तलि तरीक़ों का होता है एक तो एक ज़ोर से कलमा पढ़ कर ईमान का इजहार करना ये भी एक तरीका है एक तरीका यह भी है कि हम अपना हलिया ऐसा बना लें है ना कोई नहीं कहेगा कि मुसलमान नहीं है कोई कहेगा कि मुसलमान नहीं है कोई और मजहब के मानने वाले हैं हर कोई कहेगा कि मुसलमान है तो हम अपने हुलियों को भी ऐसा बनाएं कि लोग कहें कि मुसलमान हैं तो ये तो कुफार गवाही देंगे हमारे हक़ में देख कर के मुसलमान हैं देख कर गवाही देंगे दे कि ये मुसलमान है तो इसी तरह से आप यानी कि इस तरह से भी यानी गवाह बना सकते हैं हुलिए के जरिए और अपने यानी कि जोर से कलमा पढ़कर और कुछ आमाल के जरिए हम नमाज़ें पढ़ते हों पाँच वक्त की नमाज़ें पढ़ते हो कम से कम जुमा जुमा तो पढ़ते हों ताकि पता ऐसे बहुत से लोग हैं आप देखिएगा ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे बाजारों में कि जो जिन्हें देख कर हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये बंदा मुसलमान होगा ये बंदा मुसलमान होगा वो तो अगर बाई चांस आकर असलकम कैसे खेरे ओ, ओ मुसलमान था मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मुसलमान है वो यानी कि कहने की बात यह कि चूंकि हमने उन्हें मस्जिदों में भी नहीं देखा कभी वो जुमा ईद में आए भी थे तो दो फ़र्श पढ़कर कर भाग गए थे कभी हमारी नज़रों में आए नहीं तो कहने की बात यह कि अब तो फिर आप भी तो नहीं जैसे मैं नहीं पहचानता आप भी नहीं पहचानते ऐसे लोगों को तो उनके ईमान का गवाह कौन मुसलमान भी उनके ईमान के तो गवाह नहीं है तो आमाल भी ऐसे कुछ करने चाहिए कि जिसे अच्छा कुछ आमाल जो है ना वो ज़ाहरी तौर पर करने चाहिए जैसे नमाज फ़र्ज नमाज जो है ना तहजुद की छुप के पढ़ो लेकिन फ़र्ज़ नमाज खुलेआम पढ़ो ताकि लोगों को पता चले कि हाँ बंदा जो है न मुसलमान है बंदा मुसलमान है इसी तरह से है न कुछ अमल जो है ना हम जहरी तौर पर करें हम टोपी पहन लेते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ भाई टोपी पहना हुआ है मुसलमान है दाढ़ी रख ली तो समझ में आता है कि हाँ भाई मुसलमान है हाँ विराट कोहली वाली बना रखेंगे तो नहीं पहचान में आएंगे तो फिर लोग कहेंगे तो फैशन में रखी हुई है ना तो सुन्नत तरीके पर अगर दाढ़ी रखी ना तो फिर पहचाने जाएंगे कि हाँ ये मुसलमान की दाढ़ी है बहरहाल तो रफ फरमाता है कि उन्हें यानि कि गवाह बना लो कि हम मुसलमान हैं याल किताब लिमा तो है जुनफी इब्राहिम वमा उन्जिलती तौरात इंजील अहल किताब वापस अहल किताब यह नसारा ही को खिताब है ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे अभी तो हमारी ज... यानी कि लड़ाई झगड़े की बात थी इखराफ की बात थी अब इनके आपस के लड़ाई झगड़े की बात चल रही है अल्ला फरमाता है याहरल किताब ए किताब वालो यानि तौर वाल झील वालो लिमा तो है जून इब्राहिम तुम आपस में इब्राहिम अली इसम के बारे में आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो ये यहूद नसारा नजरान के नसारा और वहाँ जो यहूदी आबाद थे खैबर के और बनु बनु नज़ीर मदीन के बाहर ये सब जो ना आपस में जंग कर रहे थे लड़ाई कर रहे थे किस बात में यहूदी कहते हैं हत इब्राहिम तो हमारे हैं ईसाई कहते हैं हज़रत इब्राहिम हमारे हैं वो कहते हैं कि हत इब्राहिम यहूदी थे ये कहते नहीं हत इब्राहिम तो नसरानी थे ईसाई थे तो अल्लाह ने इनका रद फरमाया ने जवाब दिया अहले किताब लिमा तोहै हाँ जुनफ इब्राहिम इब्राहिम में झगड़ा क्यों कर रहे हो आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो वमा उनजल तवरा इंजील और इंजील तरीत तो नाजिल नहीं हुई मगर हत इब्राहिम के बाद यानी कि हत इब्राहिम हत ईसा से तीन हजार साल पहले गुजर चुके हैं और हत मूसा से एक हजार साल पहले गुजर चुके हैं और तोरेत आई है मूसा पर इंजील आई है हत ईसा पर और दोनों से हत इब्राहिम पहले गुजर चुके तो कहते हैं कि यहूदी कैसे हो सकते कि नसरानी कैसे हो यहूदी वो जो तोरेत का मानने वाला है ईसाई वो जो इंजील का मानने वाला और ये दोनों किताबें हत इब्राहिम के बाद आई हत इब्राहिम के एक हज़ार साल बाद तौरत आई और हत इब्राहिम के तीन हज़ार साल बाद इंजील आई तो वो यहूद नसारा कैसे हो सकते तो हत इब्राहिम न यहूदी थे न न नसरानी थे लड़ाई झगड़ा मत करो हाँ और ये हजत भी कायम की कि, कि अगर बहुत बहुत तुम्हें चाहत है बड़ी मोहब्बत है ना इब्राहिम से हमारे हमारे कर रहे हो ना तो हत इब्राहिम का दीन वही था उनकी तालीमत अहकामात वही थे जो दीने इस्लाम के थे तो आ जाओ मुसलमान हो जाओ इब्राहिम तुम्हारे हो जाएंगे आ जाओ मुसलमान हो जाओ इब्राहिम तुम्हारे हो जाएंगे तू कहते हैं अहले किताब आपस में इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो अफला क्या जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या जरा सी भी तुम्हारे पास अक्ल नहीं है तो बाद में नाजिल हुई तो वो यहूदी नसरानी कैसे हो सकते हैं हाँ वो आगे की याद में आएगा ब, आ, बताया जाएगा कि हती इब्राहिम तुम हनीफ मुसलमान थे हनीफ मुसलमान हनीफ कहते हैं जो बातिल छोड़कर हक की तरफ चले उसे हनीफ़ कहते हैं ये दीन हनीफ़ दीन इस्लाम है और वो मुसलमान थे और वही इस्लाम जो हत इब्राहिम का था वही मोहम्मद अरबी अलैहि वसल्लम का है तो यहूदियों नसरानियों वो था हत इब्राहिम एक यानी कि पॉइंट की बात यहाँ अल्लाह ने इशारतन बयान फरमाई वो क्या हत इब्राहिम तो आए ही थे बुधप्रस्ती को मिटाने के लिए नमरूद और नमरूद की कौम से मुकाबला किया और इस मुकाबले में है ना उनसे यानी बुत परस्ती छुड़ाने के चक्कर में तो इनको आग में डाला गया इन्हें सताया गया इन्हें मुल्क से निकाल दिया गया इतनी सारी परेशानियां इन्होंने बर्दाश्त की क्यों बर्दाश्त की ताकि बुत परस्ती की मुखालफत कर सके और तुम उनको घसीट कर ला रहे हो क्या यहूदियत में नसरानियत में जिसमें बुत परस्ती है है ना आप देखें ईसाई है नईसा ऊलिस क्रॉस पर ऐसे लटके हुए बताए जाते हैं वो बुत लगा हुआ है उसी को तो सजदा कर रहे हैं यही तो बुत परस्ती है यही तो बुत परस्ती है और इसी की तो मुखालफत करने हत इब्राहिम आए थे इसी तो वो हत इब्राहिम के ज़माने में जो खुदा थे बनाए गए थे वो खुदा कोई आम नहीं थे वो भी नेकोकार लोग थे अगली उम्मतों के नेक लोग थे अम्बिया थे या अलिया थे उन्हीं का पुतला बना कर रख दिया गया था उन्हीं की इबादतें हो रही थी तो कहने की बात यह कि हत इब्राहिम तो बुत परस्ती मिटाने आए थे ना वो तो शिरक मिटाने आए और तुम तो शिरक करते हो तो वो तुम्हारे कैसे हो गए अगर तुम्हें इब्राहिम वाला बनना हो तो आ जाओ दीन इस्लाम में जो बुतप्रस्ती और शिरक से पाक साफ वही दीन है जो हत इब्राहिम का दीन था वही दीन इस्लाम मोहम्मद अरबी वसल्लम का भी दीन है अल्लाह तबारक तारा हमें नेक्स्ट समझ आता फरमाए आगे की तफ से आइंदा हफ्ते बयान हो गए असल वरहम्बरक